हेलो, हेलो। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और तैयारी तो बहुत ही अप टू द मार्क चल रही होगी। तो ऐसे ही मैं बैठी, मैं सोच रही थी कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, साइकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया और मेरी गट फीलिंग कहती है कि वो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन है आपकी कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में कि किस तरीके से, क्योंकि आप एक हमारे शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है और वह बच्चों को क्यों नहीं देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ऐसा माना जाता रहा है शुरू से कि स्कूल की व्यवस्था को ठीक से चलाना, स्कूल में पढ़ाई के उद्देश्य को पूरा करना, स्कूल के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों को जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती थी, ताकि बच्चों को इस चीज से डर लगे, उन्हें इस बात का डर हो कि यदि हम ऐसी गलती करेंगे तो हमें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, हमें डांटा जाएगा, हमें मारा जाएगा, हमारे कान खींचे जाएंगे, मुर्गा बनाया जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे साथ होगी। तो इससे बेटर है कि हम लोग जो है किसी भी तरह की कोई भी गलती ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो विद्यालय के विरोध में हो, विद्यालय के सुचारू रूप से कार्य के सामने ही अवरोध पैदा करता हो, तो बच्चे इस चीजों से डर जाया करते थे। तो ऐसा माना जाता था और शिक्षक इसको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉर्पोरल पनिशमेंट एक तरह का, मैं कहती हूँ, अभिशाप है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों के मानसिक और स्वास्थ्य, जो हमारा स्वास्थ्य है, बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चे में दुख, भय और अवसाद पैदा करता है, बच्चे चुप हो जाते हैं, बच्चे के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम आपको बता दें अवसाद क्या होता है। देखिए, अवसाद एक तरह से हम कह सकते हैं डिप्रेशन, जब बच्चा बहुत ही चुप हो जाता है और अंदर ही अंदर, मन ही मन में एक भय की स्थिति उसके पैदा होने लगती है, वह डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है, उसे अवसाद कहा जाता है। अवसाद को हम किसी रोग या सिंड्रोम की संज्ञा भी दे सकते हैं, क्योंकि अवसाद एक बहुत बड़ी बीमारी है। और आज का जो हमारा यूथ है ना, आज अगर हम जनरेशन को देखें तो बहुत ही कम है इससे, बहुत छोटे बच्चे जो हैं अवसाद जैसी भयानक बीमारियों से ग्रसित हैं, और ज़्यादातर जो ये मामले स्कूली बच्चों में पाए जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता, जो हमारे भारत की दंड संहिता है, उन्होंने IPC सेक्शन 83 के तहत पूर्ण रूप से कॉर्पोरल पनिशमेंट को क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया है, मतलब बिल्कुल इसको एलिमिनेट कर दिया है, खत्म कर दिया गया। स्कूलों पर अब किसी भी प्रकार की कॉर्पोरल पनिशमेंट का कोई भी प्रावधान नहीं है। यदि शिक्षक इस प्रकार की गलती करता हुआ पाया जाता है जिससे बच्चे के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता यदि है, अभिभावक यह पाए कि उनके बच्चों के साथ स्कूल में दुर्व्यवहार हो रहा है, कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती है, शिक्षक जो है बच्चे के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, उन्हें आत्मग्लानि फील कराता है, तो ऐसी स्थिति में अभिभावक जो है, माता पिता जो है, जाएंगे अपने बच्चे को लेकर प्रिंसिपल के पास और वहां से रिलेटेड जो है शिकायत दर्ज करेंगे उस अध्यापक के अगेंस्ट। और यदि प्रिंसिपल इस बात की तह तक नहीं पहुंचता है, यहाँ पर अपनी इग्नोरेंस दिखाता है, इस के प्रति कोई एक्शन नहीं उठाता है, तो माँ बाप को पूरा अधिकार है कि वो पास के नियर बाय पुलिस स्टेशन जाकर भी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। पहले मैं श्रेणीबद्ध करूंगी इन जो है पनिशमेंट्स को। देखिए, पनिशमेंट दो प्रकार की होती है, एक आपकी शारीरिक पनिशमेंट, शारीरिक दंड, और एक आपका मानसिक दंड। शारीरिक दंड के अंदर क्या क्या चीजें आती है? शारीरिक दंड के अंदर आता है बच्चों के सर पर बैग रखवाना, उन्हें मारना, उनके कान मरोड़ना, कान खींचना, उन्हें मुर्गा बनाना, उनको जो है स्कूल के कंकड़ पत्थर उठवाना, स्टिक का यूज करना, डंडे का यूज करना, या हाथों से उनके शरीर के अंगों पर मारना, लाइक जैसे चेहरे पर, हाथों पर, कमर पर, इस तरीके से ये आपकी शारीरिक दंड के अंदर आती है। मानसिक दंड होता है जब बच्चे के साथ बच्चों को डांटा जाता है, उसको क्लास के अंदर उसकी इंसल्ट की जाती है, उसे अन्य कक्षाओं में लेकर उसको दिखाया जाता है कि ये बच्चा ये काम करता है, ये बच्चा ये काम करता है, मतलब उसको आत्मग्लानि फील करवाना, उसके बैग पर लिख देना कि मैं गधा हूँ, मैं चोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ, बहुत सारी इस तरह के कमेंट्स जो है, बैड कमेंट्स है, जो बच्चे को देना, बच्चों को एक आइडेंटिटी दे देना कि कोई जो अन्य बच्चे होंगे उसको उस नाम से पुकारे, गधा या बेवकूफ कह के पुकारे, ये सब जो होती है मानसिक जो है दंड के अंतर्गत आती है। तो ये दोनों प्रकार के दंड जो है स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिटेड है, स्कूल के अंदर इस प्रकार के कोई भी दंड नहीं दिए जाएंगे।
कई बार आत्मग्लानि इतना गंभीर रूप धारण कर लेती है कि बच्चे चुप हो जाते हैं। बच्चे अपनी उम्र में, जो उनकी उम्र खेलने कूदने की होती है, उस उम्र के अंदर बच्चे नहीं पढ़ खेलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, चुप चुप रहते हैं, और उनका सीधा सीधा प्रभाव बच्चे की स्टडी पर पड़ता है, बच्चे की पढ़ाई पर पड़ता है। बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है, बच्चा नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि वो जो आत्मग्लानी वाली जो भावना है, जो इंसल्ट वाली भावना है, उसके दिमाग में चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने लगती है। और कई बार तो ये इतना, कहते हैं ना, इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि बड़ी कक्षाओं के बच्चे कई बार जो है आत्महत्या करने के प्रयास भी करते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रिक्टली जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट को हटा दिया गया है, क्योंकि अब आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे इंटरव्यू में पैनल इस प्रकार के प्रश्न पूछे, तो आपको इसको फाइट करना आना चाहिए, आपको इसको जवाब देना आना चाहिए। वो पूछ सकते हैं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट कितने प्रकार की होती है, मानसिक उत्पीड़न क्या होता है, अवसाद क्या होता है, अवसाद को किस रोग के अंदर आप लेकर आ सकते हैं, यह कौन सा रोग है, इस रोग का नाम बताइए। ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं यहाँ से, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। भारतीय जो दंड संहिता है आईपीसी के सेक्शन 83 के तहत इसको जो है हटाया गया है कि कोई भी किसी को भी पनिशमेंट नहीं देगा। यदि शिक्षक इस प्रकार की गतिविधि करता पाया जाए और ये प्रूव हो जाए, साबित हो जाए कि बच्चे ने, जो शिक्षक ने बच्चे को इस प्रकार की सजा दी है, तो शुरुआत में उनके ऊपर 3 महीने की सजा व 10,000 रुपये का दंड दिया जाता है, उनको दंड लगाया जाता है। यदि शिक्षक यहाँ से भी इस चीज़ से, मतलब उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और फिर वो आगे कंटिन्यू पनिशमेंट दे रहे हैं, तो सजा जो है बढ़कर 5 साल हो जाती है और जो जुर्माने की रकम होती है वह 50,000 हो जाती है। ये जो सजा है ये 5 साल से 8 साल तक जाती है। तो एज ए शिक्षक, मैं भी शिक्षक हूँ और आप भी शिक्षक बनने जा रहे हो, तो मैं यही आपसे कहूंगी कि हमें कॉर्पोरल पनिशमेंट हमारे दिमाग के, कहते हैं ना, जो हमारे क्षेत्र बना हुआ है उसकी जो बाहर की जो बाउंड्रीज है वहां से निकाल कर इसको बाहर फेंक देना है। कॉर्पोरल पनिशमेंट में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कॉर्पोरल पनिशमेंट एक तरह का अभिशाप है, ऐसा आपको मानना है। यदि पैनल आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो आपको बातों बातों में वो लोग बहुत उलझाने की कोशिश करेंगे, वो आपके मन की बात जानना चाहेंगे। वो आपसे इस प्रकार बोलेंगे कि कोई नहीं, जब बच्चा शरारत करता है, बच्चा बदतमीजी कर रहा है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, विद्यालय में शिक्षा का उद्देश्य हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आधा थप्पड़ लगा देना, कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं है। बच्चों को हल्का फुल्का मारना चाहिए, डांटना चाहिए, ताकि उसके मन में डर बने और वह पढ़ाई करे। वो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको उलझाएंगे, तो वहां पर आपको इस प्रकार से जवाब नहीं देना कि हाँ सर, हल्का हल्की फुल्की पनिशमेंट दी जा सकती है। आपको वहां दिखाना है कि नहीं, बिल्कुल भी, आप वहां पर स्ट्रिक्टली खड़े जाएंगे, नहीं सर, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी है, किसी भी प्रकार की पनिशमेंट का प्रावधान स्कूल के अंदर नहीं है, विद्यालय में नहीं है, और एक शिक्षक को यह कार्य नहीं करना चाहिए, शिक्षक को शोभा नहीं देता। और शिक्षक को तो एक बच्चे के लेवल पर जाकर बच्चे की परेशानी को समझना चाहिए, और शिक्षक को बच्चे का मित्र बनकर जो है, अगर बच्चा बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा जो है बच्चा हाइपर एक्टिव है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, अब्यूज़ करता है, तो उसके उसकी उसकी बैकग्राउंड पर जाकर उसके घर का जो माहौल है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। उसके स्कूल में उसके फ्रेंड्स के साथ उसका क्या बिहेवियर है, किस वजह से वो ये सब करता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता कर एक टीचर को एक अल्टीमेट सॉल्यूशन पर आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए। अगर क्वेश्चन इस तरीके से घूमता है, आपके सामने आता है, तो आप इसको उसका पुरजोर, कॉर्पोरल पनिशमेंट का पुरजोर विरोध करें, उसको बिल्कुल भी महत्व ना दे। वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ट्रैप में नहीं आना है। आपको उसको स्ट्रिक्टली इसको जो इसका विरोध करना है कि नहीं, कॉर्पोरल पनिशमेंट किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं है। चाहे बच्चा बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, पढ़ाई का लेवल को टच नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कक्षा में अन्य बच्चों को सता रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल यू शुड ओनली फॉलो द रूल्स एंड मेक द स्टूडेंट्स अवेयर एंड मेक अंडरस्टैंड दैट के यू शुड नॉट फॉलो दिस बट यू विल नेवर गिव देम द पनिशमेंट। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये बहुत आपके लिए आज का छोटा सा हमारा जो वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आगे और भी इस तरह के जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं।